नमस्कार दोस्तों, अगेन स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कार देख लो। मैं वापस आ चुका हूँ वीडियो में, और अभी मैं आ चुका हूँ हजारीबाग वासुदेव टाटा मोटर्स शोरूम, जो कि झारखंड में अवेलेबल है। और आज जिस गाड़ी की वीडियो बनने वाली है वो आप फ्रंट में देख पा रहेंगे, और ये रही फेयरलेस प्लस एस वेरियंट, सबसे टॉप एंड वेरियंट है, और ये पर्पल कलर आप देख पा रहेंगे, सबसे जबरदस्त कलर है इसकी। तो आज ओवरऑल इस वीडियो में सारे चीज कवर करेंगे कि न्यू फेसलिफ्ट नेक्सॉन 2023 की सबसे टॉप एंड वेरियंट लेते हैं तो इसमें कौन कौन सी फीचर्स आ जाती है। जाहिर सी बात है ये सबसे टॉप एंड वेरियंट है, तो कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम लेवल के इसमें फीचर्स आते हैं, वो सारी चीज कवर करके बताएंगे। तो वीडियो में बने रहें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। देन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले बात करेंगे इसकी मॉडल की। तो यहाँ पे चार मॉडल आते हैं, जहाँ पे आपको स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव, सबसे टॉप एंड वेरियंट जो आपको यहाँ पे फेयरलेस आ जाती है। हर एक मॉडल में कुछ ना कुछ वेरियंट है जो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे। तो ये नेक्सॉन की सारी वेरियंट जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे, ये सारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। देन हर एक मॉडल में कुछ कुछ एक्स्ट्रा कलर है जो प्रीमियम कलर उसी मॉडल में आते हैं। तो ये आप टोटल कलर ऑप्शन देख पा रहे होंगे कि आपको हर एक मॉडल में कौन कौन सी कलर यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। तो ये रही सारी मॉडल और कलर। लेकिन अब सबसे पहले बात करते हैं कि फेयरलेस प्लस एस वेरिएंट लेते हैं तो इसके फ्रंट में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा प्रीमियम लेवल की फीचर्स आपको मिल जाती है। फ्रंट में सबसे पहले आते हैं इसके DRL में। तो यहाँ पे सिक्वेंशियल LED DRL आपको मिलता है। ये टर्न इंडिकेटर और DRL दोनों का काम करता है, और ये देखने में काफी प्रीमियम लगता है। अब बात करते हैं इसके हेडलैम्प सेटअप की। तो यहाँ पे बायो फंक्शन LED हेडलैम्प का सेटअप मिलता है, जिसकी थ्रो और इसकी विजिबिलिटी काफी अच्छा है। देन यहाँ पे एक चीज काफी अच्छा है कि न्यू अपडेट के साथ यहाँ पे पहले जो हैलोजन प्रोजेक्टर मिलता था, अब जो है कि LED प्रोजेक्टर मिलती है, तो ये चीज काफी अच्छी हो जाती है। साथ में यहाँ पे जो आपको फॉग लैंप मिलता है वो LED के साथ आ जाती है, जबकि पहले जो था वो नॉर्मल रेगुलर बल्ब के साथ आता था। अपर ग्रिल की बात की जाए तो यहाँ पे पियानो ब्लैक कलर का आपको मिलने वाला है। टाटा की जो है ये न्यू लोगो के साथ आ जाता है। मैंने आपको बताया कि फ्रंट में LED हेडलैम्प का सेटअप तो आ गया है, लेकिन साथ में एक चीज काफी अच्छा है कि फ्रंट में अब पार्किंग सेंसर भी अवेलेबल हो जाती है। तो ये जो न्यू अपडेट है वो काफी अच्छा आपको यहाँ पे मिल जाता है। एक चीज काफी अच्छा है कि यहाँ पे जो आपको हेडलैम्प का सेटअप मिलेगा वो ऑटो के साथ आता है, लेकिन यहाँ पे वेलकम फंक्शन के साथ आ जाती है। और यहाँ पे जो ऊपर में है रेन सेंसर वाइपर भी अवेलेबल हो जाती है, जब भी बारिश होगी ऑटोमेटिक आपकी वाइपर चलने लगती है। तो ये चीज काफी अच्छा यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी लोअर ग्रिल की। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की आपको न्यू ग्रिल मिलता है, जो कि गाड़ी को फ्रंट से देखने में काफी इनहेंस और काफी खूबसूरत बना देता है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, लेकिन साथ में यहाँ पे जो ग्रिल है कुछ इस टाइप की आपको मिलती है। और एक चीज अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हैं तो फ्रंट में आपको कैमरा भी मिल जाता है। पुराने नेक्सॉन में बहुत सारे कस्टमर का कंप्लेन था कि 360 कैमरा चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो चीज अब यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको 360 कैमरा भी अवेलेबल हो जाती है। उसकी व्यू और क्वालिटी में आगे बात करूंगा। फ्रंट की स्कीट प्लेट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको सिल्वर कलर का मिलने वाला है। आ चुके गाड़ी के साइड प्रोफाइल में, तो आप देख पा रहे होंगे गाड़ी साइड से देखने में कुछ आपको ऑडे टाइप की लग रही होगी, लेकिन इसमें भी बहुत सारे काम किए गए, जो चीज मैं आपको आगे क्लियर करके बताऊंगा। इसमें बहुत सारे साइड से भी न्यू अपडेट किए गए हैं, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के डायमेंशन की। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इसमें लेंथ, विड्थ, हाइट, साथ में मैं व्हीलबेस यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये सारी है जो गाड़ी का आपको डायमेंशन मिलने वाला है। आते हैं गाड़ी के टायर में। तो यहाँ पे जो न्यू अपडेट हुआ है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे 16 इंच का आपको अलॉय व्हील तो मिलता है, लेकिन डेकोरेटिव इंसर्ट आपको मिलता है। कुछ यहाँ पे यूनिक फ्यूचरिस्टिक अलॉय व्हील मिलता है, जो कि देखने में काफी खूबसूरत लगता है। देन यहाँ आते हैं तो ब्रिज स्टोन की आपको टायर मिलेगा। टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो 215/60 R16 इंच का आपको यहाँ पे मिलने वाला है। फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाता है, और पीछे आते हैं तो यहाँ पे आपको ड्रम मिल जाता है। बात करते हैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 208 mm का आपको मिलता है। पहले जो आपको था वो 209 mm का मिलता था, तो 1 mm यहाँ पे आपको कम मिलता है, लेकिन ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको सेम मिलता है। साथ में अगर आप यहाँ पे देख पा रहे तो गाड़ी के चारों साइड में क्लाइडिंग मिल जाता है, जो कि गाड़ी को मेजर स्क्रेचेस से और आपके गाड़ी को वाटर और कीचड़ से प्रोटेक्ट करता है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। साइड से गाड़ी को लुक को इनहेंस करने के लिए कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे डिजाइनिंग मिल रहा है, जो कि साइड से गाड़ी को रियली में काफी अच्छा बना देता है। अब आते हैं गाड़ी के ORBM में। तो सबसे बड़ा यहाँ पे अपडेट हुआ है यार, ये चीज काफी अच्छा है। पहले जो नेक्सॉन का ORBM आता था वो एक्चुअल में थोड़ा सा छोटा आता था, लेकिन अभी आपको सेम हेरियर सफारी के जैसा बड़ा ORBM आता है, और ये पूरी तरह से पियानो ब्लैक कलर में आपको मिलेगा। और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर देखो यार, पूरी तरह से बड़ा कर दिया गया, और ये आपको LED के साथ मिलता है। और साथ में यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे कैमरा अवेलेबल है। तो दोनों ORBM में आपको 360 व्यू के लिए यहाँ पे कैमरा मिल जाता है। ORBM के अंदर के मिरर को एडजस्ट करना है तो वो चीज आप कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे ORBM को अगर फोल्ड भी करना है तो वो भी यहाँ पे आपको फंक्शन मिल जाता है। साइड से एक और अपडेट की बात की जाए तो यहाँ पे जो साइड बीट आप पियानो ब्लैक कलर का आप देख पा रहे होंगे, तो पहले के गाड़ियों में क्या था कि वो व्हाइट कलर का या फिर ग्रे कलर का मिलता था, तो वो कलर के साथ मैच नहीं करता था, साइड से देखने में काफी ऑडिट लगता था। लेकिन यहाँ पे ये चीज अपडेट हो चुका है। फेयरलेस अपर मॉडल लेते हैं तो यहाँ पे पियानो ब्लैक कलर में आपको मिल जाता है, और लोअर वेरियंट में यहाँ पे आपको
मैट ब्लैक कलर का मिल जाता है, तो ये चीज काफी अच्छा है कि साइड से भी अच्छी लगी गाड़ी, इसलिए यहाँ पे वो चीज अपडेट किया गया। ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर की बात की जाए तो ये पूरी तरह से मैट ब्लैक कलर का आपको मिलता है। गाड़ी के डोर हैंडल में आते हैं तो ये आपको बॉडी कलर मिलता है, और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे तो स्मार्ट कीलेस एंट्री आपको मिलती है। ऊपर में अगर आप देख पा रहे तो यहाँ पे आपको सिल्वर कलर का आपको रूफ मिलेगा। हालांकि फेयरलेस अगर आप लेते हैं तो ऊपर में आपको डुअल टोन का ऑप्शन है, तो ये पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है, साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको मिल जाता है। पीछे की ओर आते हैं तो यहाँ पे सार्फिन एंटीना भी अवेलेबल हो जाती है। गाड़ी के साथ साथ अब बात करते हैं गाड़ी की चाबी की, तो यहाँ पे दो स्मार्ट की आपको मिलेगा जिसमें लॉक, अनलॉक, लाइट और डिक्की को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है। पीछे अगर आप देख पाते हैं तो वही टाटा का लोगो, और ये पियानो ब्लैक कलर में आपको काफी अच्छा मिल जाता है, और साथ में यहाँ पे दो मैनुअली की भी अवेलेबल हो जाती है। देन अब चलते हैं गाड़ी के बैक प्रोफाइल में बिना देर किए, और बात करते हैं वहां आपको क्या क्या मिलता है। आ चुके हैं गाड़ी के बैक प्रोफाइल में, तो यहाँ पे एक चीज काफी अच्छा है कि इसकी जो टेल लैंप है वो एलईडी के साथ तो मिलती है, और साथ में यहाँ पे वेलकम और गुड बाय वाली फीचर्स भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है, जो कि यहाँ पे टेल लैंप पे मिलता है। जैसे मैंने किया गाड़ी को अनलॉक, अनलॉक करने के बाद ये आपको वेलकम करता है, ये चीज काफी अच्छा है, और जब मैं गाड़ी को लॉक करता हूँ तो ये मुझे गुड बाय भी करता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो कुछ इस टाइप की आपको यहाँ पे पीछे का आपको लाइट मिलने वाली है। देन पीछे की अगर लाइट की बात की जाए तो इस टाइप की आपको यहाँ पे कनेक्टिंग लाइट आपको मिलने वाली है, जो कि देखने में काफी खूबसूरत लगता है। सारा यहाँ पे एलईडी आपको लाइट मिलती है, और टर्न इंडिकेटर जो आपको मिलता है वो एलईडी के साथ अवेलेबल हो जाती है। ऊपर में अगर आप देख पा रहे होंगे तो ब्लैक पेंटेड स्पोर्टी स्पॉइलर मिल जाता है, जो कि देखने में काफी खूबसूरत लगता है। टॉप एंड वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको डिफॉगर मिलता है, लेकिन साथ में एक चीज देखो यार कि वाइपर और जो वाशर जो पहले आपको नीचे मिलता था अब यहाँ पे रूफ टॉप में आपको माउंटेड मिलता है, तो ये काफी अच्छा न्यू अपडेट किया गया है। वो वाइपर थोड़ा सा यहाँ पे छिपा हुआ है तो देखने में भी काफी प्रीमियम यहाँ पे फील होता है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे न्यू लोगो और यहाँ पे कैमरा हो जाता है। न्यू नेक्सॉन की ब्रांडिंग यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको मिलने वाला है, और यहाँ पे अगर आप देख पा रहेंगे तो पीछे के रिफ्लेक्टर के साथ साथ यहाँ पे पीछे का लाइट आपको मिलने वाली है, और साथ में यहाँ पे दो पार्किंग सेंसर, और पीछे की बोनेट की बात की जाए तो कुछ इस टाइप की आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे तो इसकी स्कीड प्लेट पूरी तरह से सिल्वर कलर का आपको मिलने वाला है। डिक्की को ओपन करने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिलता है, ये पूरी तरह से ब्लैक कलर में आपका कवर किया गया, और एक यहाँ पे हैंडल ग्रिप मिलता है अगर डिक्की को लॉक करना चाहते हैं तो। साथ में यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे काफी बड़ा वाला मिलता है, और एक चीज जो आपको न्यू अपडेट यहाँ पे मिलने वाला है कि नेक्सॉन का पहले जो बूट स्पेस था वो 350 लीटर था, लेकिन यहाँ पे 382 लीटर अब बूट स्पेस हो चुका है, तो पहले से यहाँ पे बूट स्पेस काफी बड़ा हो चुका है। फेयरलेस प्लस एस सबसे टॉप एंड वेरियंट है, तो यहाँ पे 3-3 kg का लगेज होल्डर तो मिलता है, लेकिन साथ में यहाँ पे लाइट और पीछे डिक्की के लिए यहाँ पे बारह वोल्ट का रेगुलर चार्जर आपको मिल जाता है। बात करते हैं गाड़ी की स्टेपनी की, तो यहाँ पे ब्रिज स्टोन का आपका स्टेपनी मिलने वाला है, सारा टूल किट जैक वगैरह आपको यहीं पे प्लेस होगा। साथ में यहाँ पे स्टेपनी की साइज की बात की जाए तो 195/60 R16 inch का आपको यहाँ पे स्टेपनी मिलने वाला है। अब फेयरलेस प्लस एस पर्पल वाली जो कलर है ये सबसे टॉप एंड वेरियंट में ही आता है, तो यहाँ पे तो कुछ यूनिक आपको मिलना था, तो यहाँ पे देखो यार सारा यहाँ पे इंटीरियर एक्सटीरियर पूरी तरह से यहाँ पे पर्पल मिलता है, जो की गाड़ी को देखने में काफी प्रीमियम और काफी जबरदस्त बना देता है। देन अब चलते हैं रियर के डोर में, तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो पूरी तरह से लेदर आपको सॉफ्ट टच मिलता है, देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है, और ऊपर में पूरी तरह से मैट ब्लैक कलर में आपको फिनिशिंग, साथ में यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक कलर में मिलता है, और यहाँ पे लॉक अनलॉक वाली आपको यहाँ पे क्रोम के साथ मिल जाती है। देन यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो नीचे आपको स्पीकर और आपको ऊपर में ट्विटर मिल जाती है। स्पेस की बात की जाए तो 1 लीटर का बोतल होल्डर, और वहाँ पे कुछ कैरी करना चाहते हैं कर सकते हैं, इधर अगर कॉइन रखना है तो आप कैरी कर सकते हैं, पावर विंडोज का बटन। साथ में यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको अवेलेबल हो जाती है। अब बात करते हैं सबसे प्रीमियम लेवल की अपडेट की, तो यहाँ पे इसकी सीट की क्वालिटी देखो यार, ये पूरी तरह से बेस्ट लेदर वाली आपको यहाँ पे सीट मिलने वाला है, और कुछ इस टाइप की यहाँ पे इसकी कलर होने वाली है, और ये देखने में काफी यहाँ पे प्रीमियम लगता है। इधर देख पा रहे तो पीछे दोनों हेडरेस्ट आपको हाइट एडजस्टेबल मिलेगा, और जो बीच में बैठेंगे यहाँ पे 3 पॉइंट वाली आपको सीट बेल्ट आपको मिलेगा, और बीच में अगर आप देख पा रहे तो यहाँ पे भी आपको आर्मरेस्ट काफी खूबसूरत मिलता है, और यहाँ पे कफ होल्डर के साथ अवेलेबल हो जाती है। सीट की बात की जाए तो 60/40 आपको फोल्डेबल मिल जाती है। देन बात करते हैं सीट की थाई सपोर्ट, तो यार थाई सपोर्ट भी काफी अच्छा है। फिलहाल अभी मैंने दोनों सीट पूरी तरह से पीछे किया है, लेकिन यहाँ पे अराउंड आपको लेग स्पेस काफी अच्छा मिल जाता है। अगर आप फ्रंट में बैठते हैं तो सीट को और आगे करिएगा तो और उस टाइम आपको लेग स्पेस अच्छा मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात की जो नेक्सॉन की कुशन है ना यार, वो काफी अच्छा यहाँ पे मिलता है, और साथ में जो यहाँ पे इसकी इंटीरियर है ना यार, वो एक प्रीमियम लेवल का आपको मिलने वाला है। बीच में अगर आप यहाँ पे देख पा रहे तो पीछे के लिए एसी वेंट, और यहाँ पे यूएसबी पोर्ट के साथ साथ टाइप सी आपको चार्जर अवेलेबल हो जाती है। देन ऊपर में आते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सनरूफ का आपको व्यू यहाँ पे कुछ इस टाइप की आपको मिलने वाली है। रियर इंटीरियर के अपर में आते हैं तो यहाँ पे हैंडल ग्रेप आपको सॉफ्ट वाली मिलेगी, साथ में यहाँ पे आपको कोट होल्डर मिल जाता है। एक चीज अच्छा है कि यहाँ पे बी पिलर में आपको अगर कुछ थैला वगैरह कैरी करना है, छोटा प्लास्टिक कैरी करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते
सकते हैं। और ड्राइवर को ड्राइवर जो सीट बेल्ट मिलेगा वो हाइट एडजस्टेबल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। फिलहाल अभी हम गाड़ी के अंदर में, तो यार ये जो प्रीमियमनेस है ना यहाँ पे कूट कूट के नजर आ रहा है। एक्चुअल में लग रहा है कि रियलिटी में अपने एक्चुअल में बहुत बड़े लेवल का काम हुआ है जो यहाँ पे एक्चुअल में दिख रहा है। आ चुके हैं गाड़ी के फ्रंट इंटीरियर में, तो देखो यार गाड़ी फ्रंट से देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है और ये नेक्स्ट लेवल के यहाँ पे अपडेट हुआ जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सारा चीज डिटेल में कवर करेंगे लेकिन सबसे पहले चलते हैं गाड़ी के ड्राइवर डोर में। तो यहाँ पे भी अगर आप देख पा रहे हैं तो पूरी तरह से पर्पल कलर का यहाँ पे यूजेस किया गया है। लेकिन साथ में यहाँ पे बात करते हैं तो चारों पावर विंडोज आपको मिलेगा सेंटर लॉकिंग के साथ, और जो ड्राइवर पावर विंडोज होगा वन टच डाउन अप आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इधर अगर कॉइन रखना है तो आप कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे सेम पियानो ब्लैक कलर का आपको मिलने वाला है। नीचे के स्पेस की बात की जाए तो बोतल होल्डर आपको मिलेगा, यहाँ पे कुछ कैरी करना चाहते हैं कर सकते हैं। और ऊपर में आते हैं तो यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर आपको मिल जाता है। बाहर के आरबीएम को फोल्ड करना चाहते हैं या फिर एडजस्ट करना चाहते हैं तो सारा कंट्रोल आपको यहीं से मिलता है। अब आते हैं गाड़ी के ड्राइवर सीट में, तो यहाँ पे सीट हाइट एडजस्टेबल तो आपको बेसिक चीज है वो मिलता है, लेकिन यहाँ पे फ्रंट ड्राइवर को ड्राइवर सीट जो है वेंटिलेटेड आपको मिल जाता है, तो ये चीज काफी अच्छा है। यहाँ से आप वेंटिलेटेड सीट का फ्लो आप सेट कर सकते हैं कि आपको कैसा चाहिए, तो ये चीज काफी अच्छा है। और यहाँ थाई सपोर्ट काफी अच्छा मिल जाता है। साथ में बात की जाए इसकी शोल्डर सपोर्ट की तो वो चीज काफी अच्छा। और यहाँ पे फ्रंट जो सीट है वो डुअल टोन में यूजेस किया गया है। ऊपर में आपको पूरी तरह से ब्लैक मिलता है और हेडरेस्ट आपको हाइट एडजस्टेबल तो मिलता है, लेकिन एक चीज काफी अच्छा है कि यहाँ पे को ड्राइवर सीट भी वेंटिलेटेड तो मिलता है लेकिन साथ में यहाँ पे सीट हाइट एडजस्टेबल आपको मिलता है को ड्राइवर वाली, तो ये एक चीज काफी अच्छा है जो आपको फेयरलेस प्लस एस वेरिएंट में आपको मिलने वाली है। इधर आते हैं तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की इसकी डैशबोर्ड मिलने वाली है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे पर्स कैरी करना है, गाड़ी के बोनेट को ओपन करना है तो साथ में कर सकते हैं। और यहाँ पे सारा लीवर कुछ इस टाइप की आपको मिले, और यहाँ पे फ्यूल लिड को ओपन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आ चुके हैं गाड़ी के स्टेयरिंग में, तो यहाँ पे टू स्पोक वाली जो न्यू स्टेयरिंग है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और अगर आप देख पा रहे तो गौर से यहाँ पे पूरी तरह से लेदर आपको फिनिशिंग मिलने वाली। लेफ्ट साइड में आते हैं तो म्यूजिक सिस्टम का सारा कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और वॉइस कमांड का यहाँ पे ऑप्शन है। राइट साइड में आते हैं तो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, और यहाँ पे अगर व्यू देखना है 360 का आप यहाँ से देख सकते हैं। और साथ में MID का यहाँ पे कंट्रोल मिल जाती है। न्यू लोगो जो आती है कुछ इस टाइप की यहाँ पे आपको प्रीमियमनेस के साथ आ जाती है। स्टेयरिंग की बात कर ही रहे थे तो यहाँ पे टिल स्टेयरिंग आपको मिलेगा, हॉर्न के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो पर्पल कलर का यहाँ पे कुछ इस टाइप की आपको डिजाइनिंग मिलने वाली है। अब आते हैं गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम में, तो यहाँ पे काफी बड़ा अपडेट हो चुका है कि 10.2 तो यहाँ पे 10.24 इंच का आपको यहाँ पे बड़ा सा म्यूजिक सिस्टम आपको मिलेगा। साथ में एक चीज काफी अच्छा है कि मैं अगर इंडिकेटर आपका देता हूँ लेफ्ट की ओर तो यहाँ पे लेफ्ट का व्यू आ जाता है कैमरा, और राइट की तरफ देता हूँ तो ये राइट का व्यू आ जाता है, तो ये चीज काफी अच्छा है। और एक चीज मैंने इसमें नोटिस किया है कि फ्रंट में जो सेंसर, अगर फ्रंट में कोई आता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैमरा फ्रंट का ऑन हो जाता है, तो ये बहुत सारे फीचर्स है। और यहाँ पे एयर प्यूरीफाई, साथ में वॉइस कमांड, बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जो यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाती है। म्यूजिक सिस्टम वही हरमन का मिलेगा, 4 स्पीकर 4 ट्यूटर के साथ, जिसकी क्वालिटी यार प्रीमियमनेस यहाँ पे काफी अच्छी आपको मिल जाती है। देन अब चलते हैं गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, तो सेम 10.24 इंच का आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलेगा विद नेविगेशन के साथ। यहाँ पे सब कुछ आपको मिलने वाला है, तो ये एक चीज काफी अच्छा है। यहाँ पे मैं आपको फिर से इसको ऑन ऑफ करके दिखा देना चाहता हूँ। इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है कुछ इस टाइप की, आपको वेलकम करता है, यहाँ पे टाटा मोटर्स लिखता है, नीचे आयरा है और वो चीज आपको यहाँ पे मिलने वाला। और सारी इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पे फीचर्स भी एक नंबर है। और यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको अवेलेबल हो जाती है। और यहाँ पे मैंने बताया था ना कि आयरा भी है, तो बहुत सारे आप अपने फोन से आप गाड़ी को कर सकते हैं, जैसे लाइव लोकेशन, या फोन से आप अपने गाड़ी का इंजन स्टार्ट स्टॉप, बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन अब बात करते हैं गाड़ी की डैशबोर्ड की, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो काफी अच्छा यहाँ पे डैशबोर्ड का यूजेस किया गया है। ऊपर में मैट ब्लैक कलर का आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको सिल्वर कलर का मिलेगा, और यहाँ पे ब्लैक कलर का 3D टेक्सचर का यूजेस किया गया। और यहाँ आते हैं तो यहाँ पे आपको पर्पल कलर का मिल जाता है, तो ये चीज काफी प्रीमियम यहाँ पे लगता है देखने में। देन नीचे आते हैं तो AC वेंट, उधर भी आपको AC वेंट का कंट्रोल। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे सारा टच पैनल हो चुका है, जो पहले नॉब आते थे या बटन आते थे, अब यहाँ पे सारे टच पैनल हो चुका है, तो ये चीज काफी अच्छा हो गया। यहाँ पे आपको लाइट का डिक्की ओपन करना है, हैजार्ड लाइट लॉक करना है, 360 अगर आपको व्यू देखना है तो कुछ इस टाइप की यहाँ पे आपको मिलने वाली। और यहाँ पे सारे आपको कूलिंग का ऑप्शन, ऑटो AC आ जाता है, मैक्स कूलिंग है, और इधर आपको ब्लोअर स्पीड और यहाँ पे हीट करना कूल करना, तो वो सारी फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। नीचे आते हैं तो 12 वोल्ट का रेगुलर चार्जर, USB पोर्ट और टाइप सी चार्जर आ जाती है। साथ में गाड़ी के गियर में आते हैं तो 6 गियर विद एक रिवर्स के साथ है। अभी हम मैनुअल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पूरी तरह से लेदर कवर हो जाता है, और यहाँ पे पूरी तरह से मिडिल की जो कंसोल है वो पूरी तरह से पियानो ब्लैक कलर में आपको मिले। और यहाँ पे आपको सिटी मोड, इको मोड, स्पोर्ट मोड, आपको 3 मोड गाड़ी में मिलने वाला है। साथ में काफी अच्छा है कि यहाँ पे अब आपको वायरलेस चार्जर भी अवेलेबल हो जाती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देन इधर आते हैं तो यहाँ पे हैंडरेस्ट भी काफी अच्छा आपको मिल जाता है, और यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरेज आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं गाड़ी की ग्लोबॉक्स की, तो यहाँ पे काफी
काफी डीप में आपको यहाँ पे ग्लोबॉक्स आपको स्पेस के साथ मिल जाते हैं, और सारे यहाँ पे फंक्शन है, बोतल रखना है, परफ्यूम रखना है, पेन रखना है, या फिर यहाँ पे फोन कैरी करना है, और ऊपर में डॉक्यूमेंट्स रखना है, साथ में यहाँ पे कुल ग्लोबॉक्स आपको अवेलेबल हो जाती है। देन ऊपर में आते हैं तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, सनरूफ को ओपन करना है तो यहीं से आप कर सकते हैं, इधर आते हैं तो पैसेंजर एयरबैग ऑफ करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, साथ में यहाँ पे एलईडी लैंप मिल जाती है, इधर आते हैं तो कार्ड होल्डर आपको मिल जाता है, आईआरबीएम में आते हैं तो ऑटो आईआरबीएम आपको मिल जाती है, साथ में यहाँ पे आपको रेन सेंसर वाइपर मिल जाती है, और सबसे बड़ी बात मैंने आपको यहाँ पे सनरूफ दिखाया था तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलता है विद वॉइस कमांड के साथ। देन ये रहा गाड़ी का फ्रंट इंटीरियर और सारी फीचर्स जो मैंने आपको कवर करके बताया, तो अब चलते हैं दोस्तों गाड़ी के इंजन में और बात करते हैं गाड़ी के इंजन प्रोफाइल के साथ साथ गाड़ी की कलर प्राइस और साथ साथ में बात करेंगे गाड़ी की वारंटी वगैरह। आज के गाड़ी के इंजन प्रोफाइल में तो यहाँ पे जो आपको इंजन मिलेगा वो BS6 फेज 2 वाली आपको यहाँ पे इंजन मिलने वाली है, और साथ में जो इंजन की प्लेसिंग है कुछ इस टाइप की यहाँ पे आपको होने वाली जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं इसकी इंजन की, तो यहाँ पे 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज रेबोट्रॉन इंजन होने वाली है जो कि 1200 सीसी का होता है, साथ में यहाँ पे आपको 3 सिलेंडर आपको इंजन मिल जाती है, पहले से काफी अच्छा इंजन यहाँ पे अपडेट हो चुका है, जब से BS6 फेज 2 आई है तो यहाँ पे जो इंजन की नॉइस है वो काफी कम हो चुकी है, तो ये एक चीज काफी अच्छा प्लस पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाती है। देन बात करते हैं इसकी मैक्सिमम पावर की, तो 118 पीएस का पावर जनरेट होता है, और बात करते हैं इसकी टॉर्क की, तो यहाँ पे 170 न्यूटन मीटर यहाँ पे आपको टॉर्क मिल जाती है। देन ऊपर में आते हैं तो ये पूरी तरह से ब्लैक कलर में आपको कवर किया गया है। बैटरी में आते हैं तो यहाँ पे आपको एमरोन की बैटरी मिलेगी। अब बात करते हैं कंपनी की इनबिल्ड वारंटी की, तो यहाँ पे आपको 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर का कवरेज होता है, अगर इसे आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप इसे 5 साल 1.25 लाख तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं। देन अब साथ में बात करते हैं इसकी सेफ्टी की, तो यहाँ पे फ्रंट में आपको डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाता है, ABS, EBD, CSC, साथ में पीछे कैमरा और साथ में यहाँ पे 360 कैमरा, पीछे 2 पार्किंग सेंसर। इसमें सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताया नहीं, तो न्यू अपडेट के साथ यहाँ पे नेक्सॉन में 6 एयरबैग आ चुके हैं। आप बेस मॉडल लेते हैं या टॉप एंड वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग आपको मिलती है, पांचों जो सीट बेल्ट है यहाँ पे 3 पॉइंट के साथ आपको अवेलेबल हो जाती है, और सबसे बड़ी बात कि नेक्सॉन को NCAP ग्लोबल में 5 स्टार रेटिंग मिला हुआ है, तो आपके फैमिली के लिए काफी सिक्योर यहाँ पे SUV है जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देन अब बात करते हैं इसकी एक्सोरूम प्राइस की, तो 13.5 लाख इसकी एक्सोरूम पड़ने वाली है, और हजारीबाग वासुदेव टाटा मोटर से अगर इसकी ऑन रोड अगर आप जानना चाहते हैं और साथ में टाटा की कोई भी गाड़ी की अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो ये रहा वीडियो में नंबर, और कोई भी गाड़ी की आप डायरेक्ट इंक्वायरी यहाँ पे आप कर सकते हो। तो ये रहा गाड़ी का सारा डिटेल वीडियो जो मैंने आपको कवर करके बताया, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।